विद्याकुंज भक्त मंडल का एक सदस्य। हम लोग 11 वर्ष से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर माता भगवती का जागरण बना रहे हैं माता रानी की कृपा से। इसके पहले हम माता रानी का छड़ी पूजन करते हैं, माता रानी की ज्योति पूजा करते हैं, उसके बाद में कन्या लागरों का भंडारा करते हैं और कन्या लागरों भंडारे के बाद में फिर हम लोग जागरण का आनंद लेते हैं। सभी लोग यहाँ भक्तजन रात भर यहाँ बैठ करके नृत्य करेंगे और मतलब इसका आनंद लेंगे और पुण्य लाभ पाएंगे। उसके बाद में आज जैसे आपने देखा, सबसे पहले श्री राम भगवान जी की झांकी, एक श्री राम परिवार की झांकी निकली थी जिसमें हनुमान जी ने भी अपना रुद्र रूप दिखाया था। और इसके आगे भी हमारी कई झांकियां जो रहेंगी, अभी अभी माता रानी की झांकी आने वाली है जिसमें माता रानी सबको दर्शन देंगी और उनके कल्याण के लिए आशीर्वाद देंगी। जय माता दी। डोटनानी अयोध्या कुंज निवासी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम? आज हमारी कॉलोनी के अंदर 11 माता का जागरण है जो हमारी कॉलोनी के सभी सदस्य मिलकर बड़े उत्साह से मना रहे हैं और सभी जितने श्रद्धा हैं बड़े उत्साहपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं और पूरी रात का जागरण है और सभी लोग यहाँ पर उत्साह से बैठे हुए हैं। जय माता दी। अयोध्या कुंज मंडल का, और मुझे ये बहुत ही उल्लास से प्रसन्नता हो रही है कि ये जो हमारा जागरण है 11 साल से प्रतिवत हो रहा है और इस जागरण में हमारा नहीं पूरे अयोध्या वासियों का एक सहयोग है। इसमें हम अयोध्या वासियों के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के पूछ के काम करके एक इस भव्य प्रोग्राम को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग सभी लोग, ये नहीं कि मान ली मैं कहूँ या कोई कहे, इसमें क्या है कि सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को बनाने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हम 11 साल से मान रहे हैं उसको। और इसमें हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले तो छठ पूजन होता है, उसके बाद में कन्या लागरों का प्रोग्राम होता है, उसके बाद सारी भक्त मंडल के जितने भी सदस्य हैं वो सब मिलके इस प्रोग्राम की भव्य यात्रा निकालती हैं। और इसके बाद में जो भी झांकी निकलती हैं उन झांकियों को सभी अयोध्यावासी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब उसका आनंद लेते हैं, आनंद लेके नृत्य करते हैं, बड़े उन्हें आनंद होता है, लोग एक दूसरे मिलते हैं जुलते हैं, जिससे कि इस प्रोग्राम से हमारे जितने भी समाज के लोग हैं उसे जुड़ते हैं। और इस कला प्रोग्राम से एक ये संदेश आता है कि हम लोग सभी एक साथ हैं, जिससे क्या है कि हमारी देश की जनता को ये मालूम पड़े कि हम लोग जो भी मना रहे हैं वो सब एक साथ मिलकर मना रहे हैं। इस प्रोग्राम का सदस्य यही है कि हम लोग सब मिलकर रहें, ना कि एक अलग रहें, जिससे कि हमारा ये प्रोग्राम और ज़्यादा सफल हो और आप लोगों के सहयोग से इस प्रोग्राम और आगे बढ़े, मेरा यही कहना है। क्या काम कर डाला।